Maharashtra, Haryana, Prajala, Viswasani, Choragonamani, and Naru Pradhani Modi. Deepavaliki Mundugane, Prajalu Asirvadincharani Santosham Vyaktam Chesaru. Maharashtra, Haryana, Gelupu, Tama CM La Panitiriku Nidarshanamani Annaru. Dililo, BJP Karyakartalanu Uddeshinchi Pradhani Matladaru. Ki Aam Taur Par In Dino Ek Sarkar 5 Varsh Ka Karyakal Pura Karke दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 33% वोट मिले थे, 5 वर्ष में थोड़ा बहुत भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बजाय 33% से बढ़कर के 36% वोट प्राप्त किए, 3% ज्यादा वोट प्राप्त करना ये भी जन सामान्य का उनके काम पर मोहर लगाने का सीधा सीधा गौरव प्राप्त होता है। जो लोग हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको पता है मैंने वर्षों तक वहां काम किया है संगठन का। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी और वो भी वो जो कहे उस सीट पर लड़ना पड़ता था और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के पहले तक हमारी ये स्थिति थी। वैसी स्थिति में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को 5 साल और वो भी सिर्फ 2 लोगों का हमारे पास बहुमत था, सिर्फ 2 का। और आज की राजनीति में हम जानते हैं कि ऐसे समय निर्णय कितने टाइट रोप चलना पड़ता है, कोई भी निर्णय करने में कितनी दिक्कत आती है। इन सबको साथ लेकर के ऐसे वातावरण में भी और मुख्यमंत्री नए बाकी टीम भी नहीं उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर रही, शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, 50 वर्ष में आपको भी यह सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पांच साल पांच
पांच साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा देश की आर्थिक राजधानी, देश की अर्थव्यवस्था में, दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट्र का और विशेषकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है, लेकिन 50 साल तक दो दो तिहाई बहुमत वाली सरकारें भी एक मुख्यमंत्री को लेकर के चल नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है सबको साथ लेकर के चलने का, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भाजपा शिवसेना पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब जनता ने तय कर लिया कि भाजपा शिवसेना अलग चल ही नहीं सकते, आपको साथ चलना ही पड़ेगा, निर्णय जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के 5 साल तक स्थिर शासन दिया, नेतृत्व दिया। और इस बार भी गठबंधन को भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने विजयी बनाया, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारी युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई, उसको आज जन समर्थन मिला है। और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करता है। मैं दोनों प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हम पर इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद बरसाए हैं, हमारी टीम नई थी, अनुभव बहुत सामान्य प्रकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक हमने सेवा करने के हमारे मकसद से जरा भी डिगे बिना आपकी सेवा की है। अब आपने दोबारा हमें मौका दिया है, तो मैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपने जो विश्वास रखा है, उस विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। और केंद्र में सरकार में होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, वे अधिक उत्साह के साथ मेहनत करती हैं, जनता तक बात ले जाती हैं। जहां अन्य दलों की सरकारें आई हैं, उनका ज्यादा समय
योजनाओं के नाम बदलने में जाता है। मोदी की एक योजना हो तो उनको लगता है कि अपने राज्य में नाम बदल दे वरना क्रेडिट मोदी को चली जाएगी। उसी उधेड़बुन में वो एक दो साल तो यूं ही खराब कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सीमलेस, कोई रुकावट के बिना केंद्र सरकार की योजनाएं भी उतनी त्वरित गति से जन सामान्य के लाभ के लिए आगे बढ़ाई जाती है। और उसके कारण ऐसी सरकारों से जनता को डबल फायदा मिलता है। राज्य की योजनाएं भी और केंद्र की योजनाएं दोनों तेज गति से जन सामान्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता का ये बढ़ता हुआ प्यार हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ाता है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पल हर डगल जनता के विश्वास पर खड़े उतरने के लिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। इस विश्वास को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और मनोहर जी की टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी इस तोहफे के लिए प्रणाम करता हूं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का पर्व आपके परिवार में भी नया प्रकाश लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, नया उमंग लेकर के आए और आपका भारत के विकास की यात्रा में समर्थ योगदान जुड़ता चले, ये भी शुभकामना देते हुए मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को भी, अमित भाई और नड्डा जी, उस पूरी टीम ने जो इस चुनाव अभियान को चलाया उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।